डॉक्टर संजय मंडपे जी, डॉक्टर आशीष, डॉक्टर अशोक जी एंड ऑर्गेनाइजर्स ऑफ दिस वेबिनार एंड डियर डेलीगेट्स, आज हम आई थिंक इट्स माय थर्ड क्लास, तो बहुत सारे डॉक्टर्स जो न्यू कमर्स है, मेरी कोशिश यही होती है कि सभी के लिए कुछ ना कुछ, जो न्यू कमर्स है उनको भी कुछ समझ आता रहे, और कुछ जो सीनियर डॉक्टर्स है उनको भी कुछ ना कुछ मिलता रहे। आज मैं थोड़ा शेड्यूल टाइट है, तो आई वुड लाइक टू वाइंड अप दिस क्लास एट 8:30। आई हैव टू तो थोड़ा आज हम कोशिश करेंगे कि दो केस मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। मेरी यही कोशिश होती है कि हम इस सिस्टम को कैसे समझे। न्यू कमर्स क्या होता है कि हर जो पेशेंट बोलता है तो उसको कोशिश करते हैं कि हाउ टू कन्वर्ट, they try to convert into rubrics to each and every sentence said by the patient, but this is not the right way. Agar hum in classes ka importance ko samjhe to different speakers aate hain, kabhi Dr. Mann aate hain, kabhi Dr. Neelam aate hain, kabhi meri class hoti hai, kabhi koi dusre doctors aate hain, to organizers ki jo thought hai iske piche, कई बार डॉक्टर्स के हमें फोन भी आते हैं, कॉल्स आती है कि कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत लोग कि कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, किसी डॉक्टर का कोई तरीका है इसको अप्लाई करने का, किसी डॉक्टर का कोई तरीका है इसको अप्लाई करने का। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी है वो हर जगह लागू होता है। अगर हम होम्योपैथी की तरफ देखते हैं, होम्योपैथी सिस्टम जो प्रैक्टिशनर है कैसे कैसे प्रैक्टिस करते हैं, कोई मल्टीपल ड्रग्स पे प्रैक्टिस करता है, कोई सिंगल मेडिसिन पे प्रैक्टिस करता है, कोई कॉम्प्लेक्स पे प्रैक्टिस करता है, दे आर द पार्ट ऑफ होम्योपैथी, इसमें कोई शक नहीं है। और ये बात मैं क्यों करनी चाहता हूं कि कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि जो हर इंसान, एज सो मेनी डॉक्टर्स आर अटेंडिंग दिस सेमिनार, किसी को किसी तरीके से समझ आती है बात, किसी को किसी तरीके से समझ आती है। तो जो डिफरेंट डिफरेंट डॉक्टर्स होते हैं, स्पीकर्स होते हैं, उनकी ऑर्गेनाइजर्स की यही थॉट होती है कि जिसको जिस तरीके से समझ आता है, कोई ना कोई वैसा स्पीकर उसको मिल ही जाएगा, किसी ना किसी को वो फॉलो करना शुरू कर देगा, इसीलिए ये होता है। आज मैं आपके साथ, मेरे को नहीं पता कितना टाइम लगेगा, लेकिन दो केसेस मैं डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगा। मेरी कोशिश यही होती है कि हम इस सिस्टम को एक पेशेंट की बातों से समझते कैसे है, उसकी बात को समझना है, उसकी पर्सनैलिटी को समझना है, यही हमारी ड्यूटी है, एंड दिस इज द मिशन ऑफ होम्योपैथ। एक केस मेरे पास, हम क्या क्या चीज पूछते हैं और उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, हम उसको कोरिलेट कैसे करते हैं, क्वेश्चंस कैसे करते हैं हम, मैं बस आज की क्लास में यही कोशिश करूंगा कि हमको बात को समझना कैसे। अराउंड 48 ईयर्स ओल्ड मेल पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हेमोराइड्स, केस ऑफ हेमोराइड्स, बहुत कई सालों से उसको ये तकलीफ चल रही है, एंड ही वाज बिलोंगिंग टू अवर नेबर सिटी विच इज अराउंड 18 किलोमीटर अवे फ्रॉम हियर, एंड बिग पॉपुलेटेड सिटी देन माई टाउन।
उसको हमें उस पर इचिंग होती है, सीवियर पेन होता है, बॉडी इचिंग होती है, काफी सालों से चल रहा है। तो मेरा पहला क्वेश्चन उसको था कि व्हेन देयर आर सो मेनी होम्योपैथ्स इन योर सिटी, देन व्हाई यू केम हियर। मैंने सिटी का इसीलिए जिक्र किया क्योंकि हम इन चीजों को कंसिडर करते हैं कि पेशेंट कहाँ से आ रहा है, कितनी दूर से आ रहा है, उसने हमें अप्रोच कैसे किया। तो उसका जवाब बड़ा फिटिंग आंसर था कि इन दीज डेज द होम्योपैथ्स ऑफ अवर सिटी आर मिक्सिंग एलोपैथी इन मेडिसिन। हाउ ऑन आस्किंग हाउ यू कैन क्लेम दैट दे आर मिक्सिंग एलोपैथी इन होम्योपैथी पाउडर डोजेस। ही रिप्लाइड के पहले जब हम मेडिसिन लेते थे वहां से, दैट वॉज यूज टू स्वीट इन टेस्ट, बट इन दीज डेज द मेडिसिन विच आई गॉट दैट वॉज बिटर इन टेस्ट। तो उसको ये लगा कि ये मेडिसिन ठीक नहीं है। तो फिर मैंने क्वेश्चन किया कि फिर यहाँ कैसे आ गए आप। तो उसने बताया कि एक मेरा कुलीग था, उसने मेरे को बताया कि मैं आपसे कंसल्ट करूं, दैट्स व्हाई आई टुडे आई केम हियर। तो उसके आगे मैंने बात को बढ़ाया कि आप का प्रोफेशन क्या है। तो बोला कि मैं टीचर हूँ, साइंस टीचर हूँ इन गवर्नमेंट जॉब। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अबाउट हिज एक्टिविटीज आफ्टर स्कूल टाइम, कि वो स्कूल टाइम के बाद अपना वक्त कैसे स्पेंड करता। उसका जो जवाब था वो पहले ही मेरे दिमाग में था कि उसका यूजली साइंस टीचर का यही जवाब होगा कि वो बोला आफ्टर ए नैप आई टेक ट्यूशन क्लासेस, मैं ट्यूशन करता हूँ। तो मैंने उसको पूछा कि ट्यूशन आपकी हॉबी है, शौक है या कंपल्शन है। उसने बोला, उसने जवाब दिया कि इन अर्ली एज इट वॉज माई नीड, मैं बहुत पैसा कमाना चाहता था। कितना पैसा, मेरे सभी रिश्तेदारों से ज्यादा। मेरे को ये था कि मेरे मेरे पास सभी रिश्तेदारों से ज्यादा पैसा हो। अब मेरी ये कंपल्शन बन गई। अब कंपल्शन कैसे बन गई कि नाउ माई चिल्ड्रन आर ग्रोन अप, वो बहुत बड़े हो गए हैं, नाउ दे आर इन प्रोफेशनल कॉलेजेस एंड यू नो देयर सो मेनी हैवी एक्सपेंसेस ऑफ प्रोफेशनल कॉलेज, सो दैट्स व्हाई इन दीज डेज इट्स माई कंपल्शन। और उसने एक बात और ऐड की कि इट्स द केस ऑफ 2007 आई थिंक। उसने मेरे को बताया कि मैं जनवरी 2008 से ये ट्यूशन क्लासेस बंद कर रहा हूं। क्यों बंद कर रहे हो? तो उसने बताया कि एक तो मेरे को थकावट बहुत होती है, दूसरा ये उसने जो कारण बताया कि 2008 में मेरा बेटा जो इंजीनियरिंग का उसका जो प्रोफेशनल कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा और उसकी प्लेसमेंट हो चुकी है एंड पैकेज इज 4 लाख पर ईयर। तो नेक्स्ट उसने बताया कि अब मैं बंद इसलिए कर रहा हूं कि इन दीज डेज
my tuition earn is 20,000 per month. और जब वो जनवरी में अपनी जॉब ज्वाइन कर लेगा तो उसकी जो इनकम है, उसकी जो सैलरी है 30,000 हो जाएगी। और उसके बाद मेरे को जो मेरी सैलरी मिलती है, दैट्स इनफ फॉर मी, दैट्स व्हाई आई वांट टू स्टॉप दिस ट्यूशन वर्क। तो उसके बाद मैंने उसको उसकी बीमारी की डिटेल्स के बारे में पूछा तो उसने बताया कि बहुत सीवियर पेन होती है। आफ्टर पासिंग स्टूल एंड इट परसिस्ट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम और आवर्स, और उस वक्त मेरे को बहुत इरिटेशन होती है कि मेरे को कोई बुलाए ना, जब कोई बुलाता है तो मैं शॉक करता हूँ। बस यही केस था, और इससे हमें उसकी पर्सनैलिटी को समझना था। और while he was telling, the medicine was very clear for me, क्योंकि कुछ होता जो न्यू कमर्स है उनके लिए ये चीजें टफ होती है, जो सीनियर लोग हैं, जो पुराने प्रैक्टिशनर हैं, उनके लिए ये बहुत इजी हो जाती है कि पेशेंट कैसे बताता। अब वीडियो तो हम दिखा नहीं सकते क्योंकि हम बहुत सारी उसमें प्रॉब्लम्स होती है, तो उसकी आइडेंटिटी भी हमें शो नहीं करनी होती पेशेंट्स की। तो अब वो कह रहा है कि उसकी मैरिज के लिए उसके सारे खर्चे जो मेरे पास सेविंग है, तो इसीलिए मैंने उसको ये डिसाइड कर लिया कि मैं बंद करूंगा। अब इसको हम क्या सोच सकते हैं, एनीबॉडी क्या कहने जा रहा है? उसकी अभी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो पूरा कंप्लीट हो चुकी है। लड़का भी अभी जॉब कर रहा है, उसकी भी आमदनी शुरू हो जाएगी, तो अभी वो कंटेंट रहना चाहता है, जो है उसमें सेटिस्फाई है। और उसका जो ओके थैंक यू एनीबॉडी अदर, दिस डॉक्टर वाज टेलिंग कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो चुकी है, पूरी हो चुकी है, इसलिए वो कंटेंटेड स्टेट में जाना चाहता है। दैट्स व्हाई ही वांट्स टू लीव दिस ट्यूशन वर्क। एनीबॉडी अदर सर, कैलकुलेटिंग लगा पर्सन की, हर चीज को बहुत कैलकुलेट करके चल रहा है कि उसको कब क्या करना है, कैसे करना है। सर गुड, वेरी गुड। हाँ वो कैलकुलेट कर रहा है। एनीबॉडी अदर? सर लाइट रहना चाहता है कि अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई, मैं सब कुछ कर चुका हूँ, अब सब सेटल हो गया है, तो मैं लाइट होना चाहता हूँ। ठीक है, लाइट रहना चाहता है। I have completed my responsibility. That's why I'm going to stop this tuition work. Okay. Anybody other? Sir, और एक ऐड करना चाहता था। कि सर उसको जो करके दिखाना था, वो भी उसने करके दिखाया है। करके दिखाया, ठीक है। Okay. Sir, ambition increased for me भी लगा वो। कि मुझे बहुत पैसे कमाना है और उसने कमाए, मेरे रिश्तेदारों से भी ज्यादा पैसे कमाना है, और एक सस्पिशियसनेस भी लगी मुझे थोड़ी सी कि वो जैसे बोल रहा है कि होम्योपैथिक डॉक्टर एलोपैथिक डॉक्टर एलोपैथी मेडिसिन मिक्स कर देते हैं। बट व्हाई ही सेड दैट, द क्वेश्चन इज व्हाई ही सेड दैट। सर टेस्ट उसको ऐसा लग रहा था कि बीटर टेस्ट आ रहा है। इट वाज यूज्ड टू अर्लियर, इट वाज यूज्ड टू इन स्वीट इन टेस्ट, बट इन दिस टेस्ट द मेडिसिन व्हिच आई टुक दैट वाज बिटर इन टेस्ट। इसका मतलब सर वो इतना सेंसिटिव या इतना मतलब हर चीज को कैच करने वाला है कि उसको ये सब चीज भी पता है कि पहले कड़वा नहीं था और अभी कड़वा है। ठीक है चलो, ये हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी होगी, लाइक चाहता है, कंटेंटेड चाहता है, कैलकुलेटेड है, ये सारी चीजें। अब हम रूब्रिक्स को उठाना चाहें तो सबसे पहला रूब्रिक क्या होगा, प्रेजेंटेशन क्या है उसकी। प्रेजेंटेशन उसकी है कि मेरे को बहुत पेन होती है, स्पेशली आफ्टर पासिंग स्टूल,
देन आई गेट इरिटेटेड. मेरे को कोई बुलाए ना, मेरे से कोई बात ना करे, अगर कोई बात करता है तो मैं शाउट करता हूँ. यही हमारे मास्टर ने यही बताया ना, डॉक्टर सैगल साहब ने. यस सर. प्रीडोमिनेशन क्या है? दिस इज प्रीडोमिनेटिंग फैक्टर. फॉर व्हाट ही हैज कम टू मी, फॉर व्हाट ही विजिटेड टू मी, दैट वाज पेन. ओके, ये दर्द था. अब इस बात को समझिए कि मैं ये केस, इट्स वेरी मोस्ट कॉमन मेडिसिन विच इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द एवरी होम्योपैथ फ्रीक्वेंटली इन डे टू डे प्रैक्टिस. तो इस मेडिसिन को मैंने इसीलिए उठाया कि पहले हम कॉमन मेडिसिन करें न्यू कमर्स के लिए भी, और उसको समझते कैसे है. मेडिसिन का समझना क्या है कि उसको पेन आए, सबसे पहले उसको महसूस क्या हुआ, व्हाई ही केम हियर, व्हाई ही विजिटेड टू दिस टाउन. कि मेडिसिन बिटर, पहले मीठी होती थी, बिटर है. अब बिटर है तो देयर इज वेरी क्लियर डाउट. Everybody will say the homeopathy medicine is used to in sweet taste. तो ये तो कड़वी medicine है, तो इसको हम reasonable लगाएं. Okay? This is objective reasonable. Why he came here? अब इस बात को मैं यही clear कर दूं कि sometimes it becomes very confusing with recognize reality. And objective reasonable. Recognize reality को हम अगर समझे तो वो कहता है कि this is only the way और this was only the way, और मेरे को वो उसको accept करना ही पड़ता था. मैं रो के करूँ या हंस के करूँ, जब करना ही है तो फिर हंस के क्यों ना करें. This is acceptance. और reasonable क्या है? Reasonable, there are so many options. Why he opted this? This is reasonable. जब वो बताता है कि मैंने ये opt क्यों किया. Similarly, the patient visited from 18 kilometer away from and so many homeopaths are there in that city. And they all are known to me. तो उसको छोड़ के आया. First was objective reasonable. और दूसरा था उसका जो पेन इरिटेबिलिटी, पेन फ्रॉम एंड स्पोकन वर्स टू एंड इरिटेबिलिटी स्पोकन मैन, ये उसका प्रीडोमिनेशन थी. राइट. अब प्रेजेंटेशन ऐसी वेबिनार्स में, ऐसी क्लासेस में बतानी बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि प्रेजेंटेशन है, उसके एक्सप्रेशंस है, उसके जेस्चर्स है, उसका सिटिंग पोस्चर है, उसकी ड्रेसेस है. दिस इज प्रेजेंटेशन. हाउ ही प्रेजेंटिंग, दिस इज प्रेजेंटेशन. एंड वो मिसिंग रहेगी, वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि कैसा वो उसका जो था. अब उसके बाद शुरू हुई बात कि मैं बहुत पैसा कमाना चाहता था, मोर देन ऑल माय रिलेटिव्स. तो ये क्या है? ये कंपैरिजन है. मेरे रिलेटिव्स के पास पैसा ज्यादा है, मेरे पास कंपैरेटिवली कम है. और उसका एम्बिशन क्या है? जैसे डॉक्टर बता रहे थे कि कैलकुलेटिंग, ही इज वेरी कैलकुलेटिंग. और इसका एम्बिशन क्या है? मनी. हिज एम्बिशन इंक्रीज्ड मनी टू मेक. और उसका वे क्या है? उसका वे ऑफ मेकिंग मनी मोर देन ऑल रिलेटिव्स. जब एक क्यू में एक से ज्यादा लोग हो जाते हैं तो उससे मेरे को आगे जाना है. This is competition. This becomes competition. Ambition increased competitive too much. क्या मेरा पैसा कमाना
दूसरे लोगों से ज्यादा एक टारगेट बना लिया कि ऑल माय रिलेटिव्स हैव मोर मनी देन मी एंड आई वांट टू माय मिशन इज टू ओवरटेक देम इन मैटर ऑफ मनी. एंबिशन मनी टू मेक एंड कॉम्पिटिटिव एंड वो उसका तरीका क्या है फिर पैसा कमाने का, तो वो गलत मलत तरीके से पैसा नहीं कमा रहा, वो आके हार्ड वर्क कर रहा है. वो स्कूल से आता है, साइंस टीचर है, स्कूल के बाद आने के बाद एक नैप ली और उसके बाद उसने फिर शुरू कर दिया. तो ये उसके बाद क्या है, उसके बाद का जो केस का पार्ट है कि कैसे वो कैलकुलेट कर रहा है, कैसे कैलकुलेट कर रहा है कि अब मेरी मेरी सैलरी 20,000 है और मेरा बेटा आएगा तो उसकी 30,000 हो जाएगी, वो 10 प्लस मेरी इनकम हो गई. अब वो अपना खर्चा वो खुद उठाना शुरू कर देगा, उसके बाद मेरी सैलरी मेरे लिए काफी है, मैंने काफी पैसा बचा लिया मैरिज के लिए सारे सरप्लस मनी. तो दैट्स वाई वो छोड़ना क्यों चाहता है. हम एक एक लाइन को पकड़ के चलते हैं कि पेशेंट क्या कह रहा है. This is the sign of keen observer and keen good listener. Good listener क्या है कि मैं थक रहा हूँ. That's why I want to stop this tuition work. तो वो थका हुआ महसूस कर रहा है. थका हुआ क्यों महसूस कर रहा है, क्योंकि बहुत लंबे समय से वो 25 में, आप अंदाजा लगाइए कि 25 में उसने नौकरी ज्वाइन की, सर्विस ज्वाइन की और उसके बाद आज वो 48 का हो गया और 48 में वो छोड़ने की बात कर रहा है कि 25 साल हो गए उसको लगातार. वो सुबह उठ के स्कूल जाता है, शाम को आके ट्यूशन वर्क करता है, ओवर वर्क करता है. दैट्स व्हाई ही फील्स टायर्ड. तो इसके लिए मेडिसिन क्या सोच सकते हैं हम, और वो उसकी कैलकुलेशंस है सारी जो, और उसका फोकस कहाँ है, उसका टोटल फोकस इज ऑन मनी और वेरी कैलकुलेटेड पर्सनैलिटी. तो क्या मेडिसिन हम सोच सकते हैं. मेडिसिन इज वेरी क्लियर नाउ, एवरीबॉडी कैन टेल एनीबॉडी. सर नक्स वोमिका. हाँ, और कोई सल्फर. सर सल्फर ओके. एनीबॉडी अदर. अब इस बात को समझिए, अब तीन लोग बोले हैं, दो नक्सवम का एक सल्फर है ना, तो मेजोरिटी तो नक्सवम का के साथ हो गई है ना. पहले क्या होता था कि किसी भी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलती, एक डॉक्टर कुछ लिखता है, दूसरा डॉक्टर कुछ लिखता है, तीसरा डॉक्टर कुछ लिखता है. तो इसको इस सिस्टम को फॉलो करने के बाद हम करीब करीब एक मेडिसिन पे पहुंचना शुरू हो गया, which is showing that this system is making more scientific to our system. So, ab sulfur aur nux mein bahut senior log bhi confuse karte hain, right? Karte hain ki nahi? Sulfur aur nux bomb ka bahut confusing medicines hai dono. Ek saath aati hai kai baar, sometimes it becomes very difficult to differentiate. To usne शुरू कहां से किया, बस यही बातें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम अगर डीपली हम सोचते हैं तो मेरे रिश्तेदारों के पास मेरे से ज्यादा पैसा है. व्हाट इट इंडिकेटिंग एनीबॉडी? डेलुजन पुअर. पुअर दिस इज नॉट एनवी, दिस इज नॉट वो उसका. This is very clear. This is very clear poor. कि मेरे पास कम है, मेरे से ज्यादा कमाना. वो बात क्या कर रहा है कि envy और jealousy को हम अगर करें, jealousy क्या है, jealousy कि उनके पास भी कम हो जाए, उनके पास मेरे से ज्यादा क्यों है. और envy क्या है,
एनवी एविडिटी इन चीजों को बिल्कुल क्लियर कीजिए। अगर क्लियर करेंगे आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तो फिर आपको कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं रहेगी। एनवी है कि उसके पास है लेकिन वो मेरे पास होना चाहिए था, और ये क्या कर रहा है कि मुझे उनसे ज्यादा कमाना है, मुझे उससे ज्यादा कमाना, ये एम्बिशियस हो रहा है। इसमें एनवी को छोड़ दीजिए, जो प्रेडोमिनेट करती है जी, जो परसिस्ट करती है, जो प्रेडोमिनेट करती है, उसको उसको समझने की कोशिश करनी है हमें। ये कह रहा है कि मेरे को उनसे ज्यादा कमाना है तो किसी से आगे निकलना मेरे को, तो उसमें क्या कंपटीशन आ गया, कंपिटिटिव टू मच। आई थिंक कंपटीशन, कंपिटिटिव टू मच एम्बिशन, उसमें सल्फर नहीं होनी चाहिए। पहले तो वो पूर डिल्यूजन में नहीं है, सल्फर इज ऑलवेज वेल्दी, और वो चाहता भी नहीं है कि उसको कोई पूर कंसिडर करे क्योंकि उसकी ईगो हर्ट होती है। और नक्स वर्म का इज ऑलवेज पुअर, दैट्स व्हाई ही इज वेरी अवेरिस। एम आई क्लियर? एनवी जो है, एनवी के मेरे पास होना चाहिए था, ये थॉट है। वो कहता है कि उनके पास ज्यादा है, मुझे उनसे ज्यादा कमाना है, तो ये कंपिटिटिव है। अब आज हम, हाँ एक केस मेरे पास और है सेम मेडिसिन का, कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट शेड के केसेस आते हैं। वो डिप्सोमैनिया का केस है, वो डे नाइट दारू ही पी रहा है, दारू ही पी रहा है। ही इज अराउंड 38, और उसके दारू पीने का कारण क्या है कि वो पिछले 4-5 साल से ऐसे ही कर रहा है। कि उसका एक पार्टनर था, बिजनेस था, पार्टनरशिप में था, तो पार्टनर ने उसको चीट कर दिया, और चीट कर दिया तो उसको बहुत लॉस हो गया। और पार्टनर कैसा था, जिसको ये अपने ब्रदर से भी ज्यादा मानता था और उस पर ट्रस्ट करता था और सारा कुछ उस पर ही छोड़ रखा था। और इसको तब पता चला जब बिल्कुल बिजनेस सारा चौपट हो गया और पैसा पुसा वो सारा लूट के ले गया। तो उसके बाद उसको, अब उससे पूछते हैं कि तू इतनी शराब क्या क्यों पीता है, तो वो बोलता क्या और मैं क्या करूं, अब काम तो है नहीं है मेरे पास, और मैं क्या करूं, तो फिर मैंने दारू ही पीनी है। तो उसको दुख क्या है, मैंने उससे पूछा कि आपको आपको दुख क्या है, पैसे का ज्यादा दुख है या चीट का ज्यादा दुख है। वो बोल रहा है कि मैं, मेरे को दुख इस बात का है कि वो जो मेरा पार्टनर था, वो मैंने उसका अपने ब्रदर से भी ज्यादा रिस्पेक्ट दी और ज्यादा जगह दी थी, ज्यादा दर्जा दिया होता अपने ब्रदर से भी ज्यादा, वो मेरे से वैसे ही मांग लेता, मैं उसको सब कुछ दे देता, मैं उसके, मेरा उसको, उसके साथ इतना प्यार था, मैं सब कुछ ही उसको दे देता। अब पैसा तो है ही, बिजनेस करता किसके लिए, आदमी पैसा कमाने के लिए, पैसा भी गया, दोस्त भी गया, और उसमें हो क्या रहा है कि उसको नक्स का वाज गिवन बिकॉज इट्स वेरी कॉमन ड्रग फॉर डिप्सोमेनिया। आज हम इस पर बात करेंगे कि वो डिप्सोमेनिया पे कैसे पहुंच जाता है नक्स वर्म का वाला। इट्स वेरी कॉमन ड्रग फॉर अल्कोहलिक हैबिट्स। तो इसको हमने रूब्रिक क्या लगाया कि एक तो वो क्या कह रहा है कि बिजनेस लॉस हो गया, एलिमेंट्स फ्रॉम बिजनेस फेलियर, एलिमेंट्स फ्रॉम डिसीव्ड बीइंग, एलिमेंट्स फ्रॉम, उसको दुख क्या हो रहा है, मनी लॉस, उसका पैसा भी गया, अब उसके पास पैसा नहीं है, बिजनेस कैपेसिटी नहीं है। तो उसके बाद वो कह क्या रहा है कि वो, मैंने उसको इतना इतना प्यार दिया था, इतनी जगह दी थी, वो मेरे से वैसे ही मांग लेता, उस पे बहुत मान था मेरे को, इसलिए मैंने सारा छोड़ दिया उसको। एलिमेंट्स फ्रॉम ऑनर वुंडेड, ये ऑनर वुंडेड के वर्शंस है कि जिसपे मेरे को बहुत मान है और वो मेरा मेरा मेरे को प्राउड है और वो तोड़ देता है, कभी मेरे को बिट्रे कर जाता है। दिस इज एलिमेंट्स फ्रॉम ऑनर वुंडेड, पहले भी हमने शायद बात की थी, वो किसी और वर्षन से की थी। तो नक्स वर्म का दी सेम मेडिसिन वाज गिवन टू हिम एंड ही वाज ऑलराइट। अब ये हेमोरेट्स वाला पेशेंट जब 15 दिन के बाद आया मेरे पास, तो बोला कि डॉक्टर साहब ये केस मेरे पास इन दीज डेज, मेरे को याद है एक गोरखपुर से एक अटर्नी था मेरे पास, शायद वो कोई सेमिनार भी इस क्लास को भी ज्वाइन कर रहा हो, विकास नाम का डॉक्टर था उस दिन, इन दोज डेज ही वाज अटेंडिंग माय क्लिनिक एज ट्रेनर। तो
ही वाज आल्सो वेरी मच कन्विंस्ड के इतनी जल्दी इतनी दवाई ली उसने और इतनी 15 दिन में इतना रिलीफ। और नक्सवम का बहुत कॉमन ड्रग है लेकिन सिर्फ मैनेजमेंट की बात होती है। अब जैसे सल्फर साथ में आ गई, सल्फर आ गई, पेन परसिस्ट करता है, एसनेट्रिकम आ गई परसिस्ट फॉर आवर्स, और रेटेनिया मेडिसिन आ गई, तो वो क्या करते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ होम्योपैथ्स कि एसनेट्रिकम भी दे दी, रेटेनिया भी दे दी, नेक्स भी दे दी, अब वो कॉम्प्लेक्स बन गया। और कॉम्प्लेक्स के रिजल्ट्स जब हमने फंडामेंटल्स ही हम अपने जो ब्रेक डाउन कर दिए कि सिंगल मेडिसिन का फार्मूला हमने छोड़ दिया, सिंप्लेक्स का फार्मूला हमने छोड़ दिया, मिनिमम डोज का फार्मूला हमने छोड़ दिया, तो होम्योपैथी तो खत्म हो गई। और जैसे ही हम होम्योपैथी यूज कर रहे हैं वैसे ही वो रिजल्ट्स देगी, फिर उससे हम कोई बहुत फास्ट रिजल्ट्स की जो एक होप नहीं रख सकते। तो ये विकास भी कह रहा था कि इतनी जल्दी, वो मरीज क्या कह रहा था कि इतनी जल्दी मैंने कभी सोचा ही नहीं था, मेरे को ये था कि ये बहुत स्लो 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 इफेक्ट करती है। तो उसने एक बात मेरे को ये बताई कि जो मेरे को टायर्डनेस का होती थी ना, टायर्ड बहुत फील कर रहा था, मेरी टायर्डनेस भी खत्म हो गई, अब मेरे को ये लगता है कि अगर मैं चाहूँ तो ट्यूशन वर्क और कर सकता हूँ। दिस इज रियल सेंस, दिस इज हेरिंग्स लॉ ऑफ क्यों। और यही चीजें हमें पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है फिर कि आपको कौन सी बीमारी पहले हुई थी, जो हम रिवर्स ऑर्डर में जाने की बात करते हैं। तो जब पेशेंट कह रहा है कि मेरे को भूख बहुत अच्छी लग रही है, नींद बहुत अच्छी लग रही है, मैं खुश महसूस कर रहा हूँ, मेरा मन करता है कि अब मैं और भी काम कर सकूंगा जो मेरे को बहुत टायर्ड फील होता था। तो ये हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर की मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चलाऊंगा। अब नक्स को सुनिए, आज के बाद नक्स में कभी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब नक्स की स्टोरी कहां से शुरू होती है? नक्स की स्टोरी डिल्यूजन पूर से ही शुरू होती है। और उसको चाहिए क्या? उसको चाहिए वेल्थ, और दोनों में है, कहीं वो डिल्यूजन पूर में पड़ा हुआ तो डिल्यूजन वेल्थ में भी पड़ा हुआ। तो वो पॉवर्टी से निकलने का उसका तरीका क्या है? अगर हम पेशेंट को उसके पास्ट में जाते हैं, उसकी लाइफ हिस्ट्री पूछते हैं, पास्ट की बात मैं ना करूं, तो वो कहता है कि सब हम अक्सर मरीज कहते हैं कि मैंने बहुत मेहनत किया, बड़े लोअर लेवल से उठ के मैं इस लेवल पे पहुंचा हूं कि अब मेरे पास इतना है कि मैं कुछ भी ले सकता हूं, अब मेरे पास हर फैसिलिटी है। तो कहानी शुरू कहां से हुई? पुअर से। और आज वो बात क्या कर रहा है कि मैं बड़े लोअर लेवल से शुरू किया, आज मेरे पास सब कुछ है, आज वो वेल्दी स्टेट में है। तो उसका तरीका क्या रहा? मैं आपको एक बात कहनी चाहूंगा यहाँ, जैसे अब यूपी में इलेक्शन रहा, तो इलेक्शन में किसी आदमी ने पार्टिसिपेट किया क्या एज वर्कर? यूपी वाले है ना? हेलो, हेलो, हाँ जी सर, ऑडिबल। हाँ हाँ हाँ, मैंने कहा आजकल इन इलेक्शन का बहुत चल रहा है सीजन, है ना यूपी में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम कोई भी इवेंट, हमारी सोसाइटी में कोई भी इवेंट चलता है, हम टीवी देखते हैं, हम कोई सीरियल्स देखते हैं, हम कोई फिल्म देखते हैं, हम जिस करेक्टर को भी देखते हैं, तो वॉच इट एज ए होम्योपैथ, उस करेक्टर को आज होम्योपैथी नजर से देखिए, सीखने का सबसे बढ़िया तरीका। जैसे आजकल ये पार्टी चेंज करने का फैशन बन गया है ना, और को होता क्या है कि वहां हमें ऑनर नहीं मिलता, हमें वहां रिस्पेक्ट नहीं मिलती। जो लीडर पार्टी चेंज करके जाते हैं उनका यही कंप्लेंट होती है कि वहां हमें प्रॉपर जो हमें सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं मिलता, तो वो रिस्पेक्ट की बात करते हैं। तो रिस्पेक्ट तो वो चाहते हैं, लेकिन करेक्टर कैसा है उसको हम उसके साथ जोड़ के देखेंगे। तो सिमिलरली नक्सवम का पुअर स्टेट से निकलना चाहता है, वेल्थ में जाना चाहता है, तो उसको तरीका क्या होता है? वो ओवरवर्क करता है। मैं कॉमन रिवर्क्स जो हम अप्लाई करते हैं तो वो साथ साथ में आपको बताता जाऊंगा। तो वो हार्ड वर्क करता है, ऑनेस्टली वर्क करता है,
और उसको दो नंबर का पैसा नहीं चाहिए, उसको अपना सम्मान का डिग्निटी फाइट जो उसको तरीके से पैसा चाहिए, और वो ओवरवर्क करता है। जब ओवरवर्क कितना करता, अनलिमिटेड, क्योंकि उसकी जरूरत भी अनलिमिटेड है। ही इज डिसकंटेंटेड विद हिमसेल्फ एंड ही इज डिसकंटेंटेड विद एवरीथिंग। वो कितनी भी मेहनत करता तो रात को उसको वो लगता है कि मैं यार उतना नहीं, मेरे को और ज्यादा कमाना चाहिए था। अब सारा दिन लेबर करेगा तो उसके बाद शाम को उसको टायर्डनेस तो होगी होगी। अब टायर्डनेस कम करने के लिए उसको क्या चाहिए, उसको रिपोज एंड ट्रैंक्विलिटी चाहिए, उसको शांति चाहिए। डिजायर्स रिपोज एंड ट्रैंक्विलिटी, नॉट डिजायर ओनली, लॉन्गिंग फॉर रिपोज एंड ट्रैंक्विलिटी। और डिजायर थोड़ा हल्का हो जाता है कि इच्छा है, मिल गई तो ठीक है, पूरी होगी तो ठीक है, नहीं तो नहीं। लेकिन लॉन्गिंग है उसको हर वक्त रिपोज एंड ट्रैंक्विलिटी चाहिए। वो क्यों चाहिए, क्योंकि ही यूज टू डू ओवर वर्क, और वो शाम को आता है तो फिर उसको शाम को थोड़ा ट्रैंक्विलाइजर चाहिए। और ट्रैंक्विलाइजर उसका क्या है, अल्कोहल। एक तो ये कारण हो गया कि वो कॉन्स्टेंटली, जैसे ये टीचर की बात मैंने की, ये पिछले 25 साल से सुबह उठता है, तैयार होकर स्कूल जाता है, शाम को ट्यूशन वर्क करता है, तो शाम को जब टायर्डनेस होती है तो फिर आदमी का होता है कि अब थोड़ा लेयर मूड में रहना चाहिए, तो लेयर मूड के लिए वो फिर इसका सहारा लेना शुरू कर देता है। और जब वो घर आता है तो वहां फैमिली है, अब वो सारा दिन तो बिजनेस में रहा, रात को घर आया तो उसको फैमिली वालों को भी टाइम चाहिए, वो अपना क्लेम करते हैं। अब ये तो सारी एनर्जी वही बिजनेस में ही पैसा कमाने के लिए एग्जॉस्ट कर चुका है, और शाम को उसको चाहिए क्या, शाम को उसको चाहिए रिलैक्सेशन, उसको रेस्ट चाहिए, उसको ट्रैंक्विलिटी चाहिए, उसको रिपोज चाहिए। तो घर वाले कुछ पूछते हैं, घर वाले तो उनको भी तो टाइम चाहिए ना, अब बीवी बच्चे हैं, अब बीवी कोई सवाल करेगी तो उसको अच्छा नहीं लगता, बच्चे एक बार लपकेंगे तो उसको अच्छा नहीं लगता, तो वो फिर क्या होता है कि वो इरिटेट होना शुरू हो जाता है। हम पढ़ते हैं ना कि एस्ट्रेंज्ड फ्रॉम फैमिली बट वेरी काइंड फॉर स्ट्रेंजर्स एंड आउटसाइडर्स। तो उसको, क्योंकि उसका फैमिली में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ही नहीं है, उसका एम्बिशन ही कहीं और है, उसका एम्बिशन है पैसा कमाना। तो ये सिलसिला चलता रहता है और लगातार चलता है। तो फिर वो क्या करता है कि वो घर से दूर भागना शुरू कर देता, एस्केप अटेम्प्ट फैमिली एंड चिल्ड्रन फ्रॉम। और इस बीच में उसका जो काम करने का तरीका, अक्सर हम पेशेंट आते हैं, पेशेंट मेल और फीमेल, हम अगर फीमेल को भी किसी को पूछते हैं कि काम, तो वो कहती है कि काम करने की जल्दी बहुत होती है, जल्दी जल्दी काम निपटा दो। तो जल्दी जल्दी काम निपटाने में दिक्कत क्या आती है, जब कोई बीच में आके टोकना शुरू कर देता, कहना शुरू कर देता कि ये काम आपको पहले कर लेना चाहिए था, ये बाद में करना चाहिए था, ये पहले कर दिया, ये बाद में कर दिया। तो मैं उनको कहती हूँ कि या तो अपने आप कर लो, या मेरे काम में कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। ये नक्स वमका को सबसे ज्यादा तकलीफ देती है ये चीज, जब कोई उसको इंटरफेयर करता उसके काम में, कोई कंट्राडिक्ट करता है, कोई इंटरप्शन आती है। रिब्रिक्स क्या है, उसमें बहुत सारे रिब्रिक्स हमें मिल जाते हैं, एडमोनिशन, एग्रेवेशन, इवन काइंडली एंड डिस्टर्ब ओवर्शन। उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, उसको कंट्राडिक्शन नहीं चाहिए। अगर कंट्राडिक्शन होती है तो उसको बहुत गुस्सा आता है, सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। और एंगर कंट्राडिक्शन फ्रॉम एंड एंगर इंटरप्शन फ्रॉम। हम अक्सर जो भी पेशेंट्स आते हैं तो उनको पूछते हैं कि अगर काम में, सपोज आप काम कर रहे हैं तो
कोई आ गया, कोई अड़ोस पड़ोस से कोई औरत मिलने आ गई, कोई अड़ोस पड़ोस से कोई और काम में रुकावट आ गई, तो नक्सवम का को वो बहुत डिस्टर्बेंस होती है। वो कहता है कि ठीक है वो आ गया, उनको बर्दाश्त तो करना ही पड़ता, लेकिन अंदर से ये होता है कि इसने आके मेरा काम रोक दिया, मेरा अब लेट हो जाएगा, अब काम लेट हो जाएगा। तो कंट्राडिक्शन और इंटरप्शन, ये तीन मेडिसिन को बहुत डिस्टर्ब करती है। देखो जरा दोनों में कौन कौन सी, तीन चार मेडिसिन रहती है, नक्सवम का, कैमोमिला एंड कॉकुलस। अब कैमोमिला तो बिल्कुल इम्पेशेंट हो जाता है, वो तो टॉलरेट ही नहीं कर सकता, और टॉलरेट ये नक्स भी नहीं करता, ये अंदर से, क्योंकि ये यील्डिंग में पड़ा हुआ है, कैमोमिला यील्ड नहीं करता। कंट्राडिक्शन एंड टॉलरेंस, एंगर कंट्राडिक्शन एंड एंगर इंटरप्शन, तो तीन मेडिसिन मेन हमारे पास जो कॉमन मेडिसिन आती है, अगर हम दो आते हैं एंगर इंटरप्शन, और इसको कंट्राडिक्शन और इंटरप्शन को भी हमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करना होगा अगर हम इसे अप्लाई करना। तो कंट्राडिक्शन है कि आपने ये काम ऐसे नहीं करना था, ऐसे करना था, और इंटरप्शन है कि उसके आने से मेरे काम में रुकावट होगी। हाँ, इसमें कैमोमिला, डलकमरा ये ऐड हुई है, नहीं नक्सवम का, सेंचरिस और कोकुलस। दिखाइए दोबारा, अच्छा अच्छा, नक्सवम का, कोकुलस, लैक एच एंड स्पोंजिया, पेट्रोलियम आरे, ये कॉमन मेडिसिन। और कॉमन मेडिसिन जो पुरानी पुराने में थी वो तीन ही, तीन ड्रग मेन थी, कैमोमिला, कॉकुलस एंड नक्सवम का। और कैमोमिला तो बहुत इम्पेशेंट हो जाता, वो तो टॉलरेट ही नहीं कर सकता, वो बोल भी सकता है क्योंकि जो उसकी बैड टेम्पर्ड पर्सनैलिटी है, लेकिन नक्सवम का सिविलाइज्ड है, वो बर्दाश्त तो करेगा लेकिन अंदर से उसको बहुत दिक्कत होती है। और वो फिर बताता भी आके डॉक्टर के पास कि मेरे को जब काम में कोई रुकावट आती है और काम में कोई टोकता है, एक चीज, एक फैक्टर तो ये है। और दूसरा, हम जब उसको पूछते हैं कि आप जब कोई डिसीजन लेना होता है तो फिर कैसे करते हैं, किसी की हेल्प लेते हैं, या ऐसे ऐसे सवाल हम पूछते जाते हैं, किसी की हेल्प लेते हैं या क्या करते हैं, तो अक्सर पेशेंट कहते हैं कि कुछ पेशेंट्स ये होते हैं कि इंडिसिजिव हो जाते हैं, जैसे बहुत इंडिसिजिव, तो हम उसको उसकी उसका लेवल देखने के लिए फिर आगे आगे क्वेश्चन पूछते हैं कि सपोज आपने कॉमन क्वेश्चन हम पूछते हैं कि बाजार से कुछ लेना है, मान लो कोई कपड़ा ही लेना है, कोई ड्रेस लेनी है, तो उसको डिसाइड कर लेते हैं। तो जैसे ग्रेफाइटिस है, ग्रेफाइटिस वाला कहता है कि मैं ये भी डिसाइड नहीं कर पाता, मेरे को किसी ना किसी की एडवाइस लेनी पड़ती, किसी को साथ लेके जाना पड़ता, कंपनी चाहिए मेरे को कुछ खरीदने के लिए। इंडिसिजन ट्रिफल्स अबाउट, तो उसमें पुरानी बुक्स में ग्रेफाइटिस थी, अब कुछ नई एडिशंस हुई। तो लेकिन नक्सवम का जो डिसीजन होता है वो बहुत क्विक डिसीजन लेता और बहुत फर्म डिसीजन लेता। जैसे हम करेक्टर डे बाई डे देखते हैं, जैसे अब रशिया की वार चल रही है, तो अब हम रशिया के प्रेसिडेंट को अगर हम देखना चाहिए उसकी पर्सनैलिटी को, तो वो बिल्कुल झुकने वाला नहीं है, बिल्कुल रुकने वाला नहीं है, तो वो फेरम ग्रुप में चला जाएगा। फेरम सबसे हार्ड पर्सनैलिटी है। और नक्सवम का डिसीजन जो होता है बहुत क्विक डिसीजन होता है, बहुत फर्म डिसीजन होता है, नक्स बेशक फर्मनेस में नहीं है। तो इसके लिए रूब्रिक्स क्या क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, एक तो कैलकुलेटिंग एबिलिटी एंड क्लैरिटी ऑफ माइंड एंड डिटर्मिनेशन एंड ऑडिस्टी, ये रूब्रिक्स को हम अगर ज्वाइन कर लें, इंडस्ट्रियस मैनिया फॉर वर्क,
तो एक बड़ा फर्म डिसीजन वाला हो जाता है, क्लियर डिसीजन वाला हो जाता है कि फिर वो कहता है कि एक बार हमने जो डिसीजन ले लिया, एक बार सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, एंड बहुत क्लियर माइंड पर्सनैलिटी है उसको, हर चीज क्लियर होती है कि मैंने नेक्स्ट का जो बिजनेसमैन है वो कामयाब क्यों है। अक्सर बिजनेसमैन कहते हैं कि हम अपना जो एक्सपीरियंस है उसको यूज करते हैं कि किस किस मौसम में, किस मंथ में किस चीज को स्टॉक करना चाहिए और किस प्रोडक्ट को किस सीजन में बेचना चाहिए, सेल करना चाहिए। नक्स वोमका का कैलकुलेटेड बिजनेस होता है, वो गैम्बलिंग करता है, लेकिन गैम्बलिंग वही करता है या उसको बहुत ज्यादा उसके अपने एक्सपीरियंस से, वो अपनी नॉलेज से जो करने की कोशिश करता है कि गैम्बल भी करता है, तो उसमें या उसको बहुत ज्यादा चांसेस लगते हैं कि यहाँ मैं बिल्कुल फेल नहीं होऊंगा, तो फिर वो डिसीजन लेके अपना काम बड़ी फास्ट काम शुरू करता। तो अब हाइपरटेंसिव का तो सीधा सवाल है, सीधा जवाब है कि वो बहुत वर्क होलिक पर्सनैलिटी है, वर्क होलिक पर्सनैलिटी है, सारा दिन काम काम, पैसा काम पैसा काम, उसको और कुछ नहीं चाहिए, तो उसको फिर शाम को, और ये सिलसिला लगातार शुरू होता चलता जाता। मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग केस आपके साथ नेक्स्ट वर्म का शेयर करूंगा। एक कपल मेरे पास आता था मेडिसिन लेने के लिए, छोटी छोटी चीजें कितना बड़ा काम कर जाती है। मैं ये केस के बारे में इसलिए बताना शेयर करना चाह रहा हूँ आपके साथ। एक कपल आता था और बहुत लविंग और बहुत माइल्ड एंड यील्डिंग नेचर की है, बहुत अच्छी नेचर की है, और जो आदमी है उसका हस्बैंड है वो बहुत अच्छा बिजनेसमैन है, लेकिन दोनों में ट्यूनिंग अच्छी नहीं रहती है, और बात इतनी बढ़ गई कि डाइवोर्स तक। हस्बैंड कहता क्या मैं तेरे साथ रहना मेरा पॉसिबल नहीं है, अब हमें अलग अलग हो जाना चाहिए, और वो रो रही है चला रही है। मेरे पास बैठे उनको मैंने पूछा कि आप ये औरत इतनी अच्छी है और आप इतने कामयाब बिजनेसमैन है, तो ये चीज क्यों आ रही है आप में, ये ट्यूनिंग आपकी क्यों नहीं बन रही। तो उन्होंने जो मेरे को बड़ी हंसी आई जब उन्होंने दोनों ने अपने अपने कारण बताए, वो आदमी कह रहा है कि मैं सारा दिन काम करता हूँ, बहुत ज्यादा काम हो जाता है और बहुत इरिटेशन होती है, जब थक जाता हूँ तो बहुत इरिटेशन होती है, तो जब मैं घर आता हूँ तो ये गेट पे खड़ी होती है और गेट पे मेरे को बोलेगी कि इतनी देर के बाद मिले हो, एक बार तो स्माइल तो दे दो थोड़ी। और मैं उसे कहता हूँ कि तू मेरे को 10 मिनट बुलाना मत, जब मैं वापस आऊं तो मेरे को 10 मिनट मत बुलाओ, उसके बाद बेशक मेरी जान ले लो। और वो औरत कहती है कि जब आप घर में आते तो एक बार मेरे को स्माइल दे दो, उसके बाद मेरे को बेशक मेरी जान ले लो, बस एक बार आपकी स्माइल चाहिए। और यही झगड़ा था उनका, और औरत को पल्सिटल दी और उसको नक्सवम का दी, दोनों बड़ी जो अच्छी ट्यूनिंग बन गई और वो एक कपल बच गया टूटने से और डाइवोर्स से बच गया। ऐसा ऐसा काम हमारी मेडिसिन कर देती है। अब ये सिलसिला जब लगातार चलता रहता है तो उसका उसका जो एनर्जी लेवल कम होता जाता है, और बच्चे जब बड़े होने शुरू हो जाते हैं तो उनकी जो प्रॉब्लम्स और बढ़नी शुरू हो जाती है, उनके लिए और पैसा चाहिए तो और मेहनत होगी, एनर्जी लेवल कम हो रहा है और पैसे की जरूरत बढ़ रही है और उसकी कोई लिमिट नहीं है। बड़े इंटरेस्टिंग केसेस आते हैं। मेरे पास एक केस आया तो मैं उससे ऐसे ही कैजुअली पूछा कि आप क्या करते हो, इंडस्ट्रियलिस्ट था, तो मैंने उनको पूछा कि तेरा यार मेन एम क्या है लाइफ का, तो बोला कि मेरा एम है पैसा बनाना। तो मैंने ऐसे पूछा कि कितना पैसा, तो उसने हंसना शुरू कर दिया, बोला कि डॉक्टर साहब आप भी हंसोगे मेरी बात सुन के। मैंने कहा कितना पैसा चाहिए तेरे को, बोला कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी। और वो उसको आर्सेनिक दी थी, उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, और दुनिया का बहुत सबसे अमीर वो अपने पे हंस रहा है और उसको उतनी जरूरत नहीं है, फैमिली फादर के साथ उसकी बनती नहीं है,
वाइफ के साथ उसकी ट्यूनिंग अच्छी नहीं है और उसको सबसे अमीर आदमी बनना, और डिजायर्स मोर देन नीड, वही रूब्रिक उसका था जो टोटल स्टोरी थी। तो मैं बात कर रहा था नेक्स्ट होम का की, जब वो लगातार चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है, ये सिलसिला चलता जाता है, एनर्जी लेवल कम हो रहा है, काम ज्यादा करना पड़ रहा है, तो अल्टीमेटली वो फिर वॉर्न आउट बिजनेसमैन में जाना शुरू हो जाता है, कि ऑलवेज इरिटेटेड, उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, फिर वो हार्ट डिजीज की तरफ बढ़ जाता है, उसको फिर बैड टेम्पर्ड हो जाता है, परिवार के साथ ट्रेनिंग अच्छी नहीं रहती है। तो ये स्टोरी है नेक्स्ट होम का की, और जो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल रूब्रिक्स जो मैंने आपके साथ की है कि उसको पैसा चाहिए, उसको काम चाहिए। वो जो दूसरे केस में था कि एक रूब्रिक हमारे पास है डिप्सोमेनिया, आई थिंक डिप्सोमेनिया आइडलनेस ड्यू टू आइडलनेस, कि वो मेरे को पूछ रहा है कि, मैंने कहा कि तू इतनी शराब कर, मेरे के पास काम नहीं है तो और मैं क्या करूं, फ्री आदमी क्या करेगा, नशे करेगा ना। तो ये नेक्स्ट होम का की स्टोरी है कि नेक्स्ट होम का हाइपरटेंसिव क्यों हो जाता है, नेक्स्ट होम का वॉर्न आउट बिजनेसमैन क्यों हो जाता है, नेक्स्ट होम का परिवार से दूर क्यों भागना शुरू कर देता है, और वो इरिटेट क्यों रहता है सारा दिन। और कोई किसी का एक्सपीरियंस है तो हाँ, नेक्स्ट होम का घर में यही होता है कि मेरे को कोई इंटरप्ट ना करे, मेरे को कोई कॉन्ट्राडिक्ट ना करे, एंड वेरी डिटरमिंड पर्सनैलिटी और वेरी हार्ड वर्कर, वो फर्श से उठ के अर्श पे जाना चाहता है, उसके सपने यही होते हैं, और रिपोज लॉन्गिंग फॉर रिपोज एंड ट्रैंक्विलिटी, वो अखीर में फिर क्या होता है, वर्न आउट होता तो उसको शांति चाहिए हर जगह, वो शांति उसको कहता है कि हर वक्त मेरे को शांति की भाल में रहता हूँ हर वक्त में। हाँ जी, एनीबॉडी एनी क्वेश्चन? सर एक पूछना था, नेक्स्ट होम का इतना बिजनेस माइंडेड और वार नॉट बिजनेसमैन है, तो एक लेडी को दिया था तो बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उसका ये था कि हेल्थ के बारे में वो ना इतना कॉन्शियस यानी नहीं थे, उसका हस्बैंड भी उसको लेके आता था, वही दवा लेके जाता था, तो ऐसा हो सकता है क्या? हाँ हो सकता, क्योंकि उसका तो सारा एक पैशनेट है ना, पैशनेट पर्सनैलिटी, उसका तो सारा अपने काम पे ही सारा फोकस होता है, लेकिन वो फिट भी रहना चाहता है, नेक्स्ट भूमिका का वो भी है ना, फिट भी रहना चाहता है, तो लेकिन ये ऐसा कॉन्ट्राडिक्ट थोड़ा लगा कि नक्स बहुत अच्छा काम भी कर रहा है उसको, नहीं उसमें दूसरा भी पड़ा ना, फॉपिशनेस में पड़ा हुआ ना, या उसकी बात आ जाती है ना, या उसकी बात आ जाती है वेल्थ शो करने की, स्कैंडल मनी ऑस्टेशन ऑस्टेंटेशन ऑस्टेंटेशन फ्रॉम वो खर्चा, या उसकी दिखाने की दिखावे की बात आ जाती है, तो हाँ बूस्टर है, स्क्वेंडर मनी थ्रो ऑस्टेंटेशन, तो वो बूस्टर भी है और वो पॉपिश भी है, वो दिखाना भी चाहता, अपना फिट भी रखना चाहता है, तो इसलिए मतलब के बहुत सारे फेजेस होते हैं, वो किसी स्टेज में आता है, कोई अर्ली स्टेज में आता है, कोई लेट स्टेज में आता है, कोई मिड स्टेज में आता है, तो उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं होती है। कई बार क्या होता है कि एक प्रेजेंटेशन है, प्रेडोमिनेशन है, वो ही परसिस्टिंग बन जाती है, वो एक बात कहता और एक बात से ही मेडिसिन वो केस ठीक हो जाता, तो उसको दूसरे फेज को छेड़ने की जरूरत नहीं होती है। ये तो मैंने केस इसीलिए डिटेल बताया कि वो बताता जाता तो क्या चीज हमारे काम की है, प्रैक्टिकली हम कैसे अप्लीकेबल कर सकते हैं। एक छोटा सा केस और एक और मेडिसिन का मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सर आप प्लीज एक बताएंगे कि इम्प्रेशनेबल में भी है नक्स फॉर्म?
हाँ ऑपरेशनेबल में तो है, ऑपरेशनेबल होता है तो वो दूसरों के जैसे काम करने की कोशिश करता ना, ऑपरेशन में आता ना कि एक वेल्थ, उसको वेल्थ क्यों चाहिए, क्योंकि उसको उसको पता है कि वेल्थ के साथ ही वो इंप्रेसिव हो सकता है, ठीक है, वो दूसरों को अपनी एक प्लेस बना सकता है सोसाइटी में। हम बढ़ते हैं ना सेंसिटिव टू कंट्राडिक्शन, फियर ऑफ ओपिनियन ऑफ अदर्स, ये सारी सारी चीजें पढ़ते हैं। तो पूरा पूरा मेडिसिन तो एक क्लास में पॉसिबल ही नहीं हो सकता ना, वो तो हम दो तीन केसेस लें डिफरेंट डिफरेंट शेड के। तो ये तो मैंने इसके मेन फेज को मैंने जो प्रैक्टिकली प्रेडोमिनेटिंग फेज है उसी को मैंने छुआ अभी तो, ठीक है ना। थैंक यू हाँ। एक केस मैं थोड़ा सा 5-7 मिनट में, एक और मेडिसिन का केस है कि हम कैसे कैसे केस मतलब कि उस मेडिसिन के सेंटर को उठाते हैं केस के ना। एक केस मेरे पास है 38 years old फीमेल केस है, लकोरिया है, और वेरी ऑफेंसिव डिस्चार्ज, वेरी सीवियर इचिंग एंड बर्निंग एंड अल्सर्स वजाइनल पार्ट, बहुत सारी मेडिसिन दी है, हाइपर एसिडिटी होती है, सोर इरिटेशन आते हैं, और उसकी एक राइट लेग में पेन होता है, और वो पेन वो फील करती है कि ये मेरी लेग डे बाय डे वीक हो रही है स्ट्रेंथ वाइज, एंड उसको ये भी लगता है कि ये थोड़ी थोड़ी पतली हो रही है, थिन हो रही है जो लेग मेरी। तो मैंने उनको पूछा कि इतनी पुरानी बीमारी होगी, मन क्या करता है? वो कहती है कि मन डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल थकी महसूस करती हूँ, मेरे को ये लगता है कि मैं हर वक्त लेटी रहूं, और लेटूं भी ऐसी जगह कि यहाँ पे कोई मेरे को दिखाई भी ना दे। तो मैंने कहा कि फील क्या करती हूँ? स्टिल यू आर 38 क्वाइट यंग, तो इतना टायर्ड? वो बोल के हाँ डॉक्टर साहब ये मेरे को बहुत महसूस होता कि मेरी मदर इन लॉ अभी मेरे से ज्यादा एनर्जेटिक है, शी इज फिट देन मी, फिजिकली फिट है, एनर्जी लेवल उसका मेरे से अच्छा है, काम मेरे से ज्यादा कर लेती है, और मेरे को यही लगता है कि अगर कल को कुछ मदर इन लॉ को हो गया तो ये तो इतना मैनेज कर रही है सारी जितने रिलेशन है, कहीं आना जाना कहीं, तो मैं कैसे मैनेज कर पाऊँ, ये मेरे से तो नहीं होगा। तो मेरे को तो यही लगता है कि मैं बहुत थक चुकी हूँ, मैं अभी इतना काम नहीं कर सकती जितना वो। कभी कभी मेरे को ये लगता है कि इससे तो ये कोई जिंदगी है, इस जिंदगी से तो मरना ही बेहतर है कि आदमी को मौत ही आ जाए। तो लगता फिर मैंने उससे पूछा कि महसूस क्या होता है कि ठीक हो जाऊंगी या नहीं हो जाऊंगी। बोले कि मेरे को ये लगता है मन तो बहुत करता है कि ठीक हो जाऊं, लेकिन मेरे को कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बस ये सिलसिला मेरे साथ ऐसे ही चलता रहेगा, ये कभी ठीक होने वाला नहीं है। तो इसको मैंने जब सुना तो मेरे दिमाग में मेडिसिन तो आई, वेरी कॉमन ड्रग, क्योंकि इतनी थकी हुई है, मैं कहीं ऐसी जगह पे सो जाऊं जाके लेटी रहूं हर वक्त किसी भी आ, एंड सेम वाज गिवन इनटू 30 पोटेंसी। और वो उसको थोड़ा फायदा किया, थोड़ा फायदा तो हुआ, लेकिन वो कह रही है कि डॉक्टर साहब ठीक तो मैं हर मेडिसिन से कोई भी मेडिसिन लेती हूँ एक बार तो मैं ठीक हो जाती हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं मानता कि मैं कभी ठीक हो पाऊंगी। तो मैंने कहा कि मेरे को यही बार बार होता कि अगर आज तो मेरी मदर इन लॉ है मेरे को सपोर्ट कर रही है, अगर कल को मदर इन लॉ को कुछ हो जाता है, जब वो बाहर जाती है तो मेरे को बहुत डर लगता है, तो अगर उसको कोई हो गया तो मैं कैसे मैनेज कर पाऊंगी सारा, मेरे तो सो मैनेज होने वाला नहीं है। और मेरी जो राइट लेग है वो डे बाय डे पतली हो रही है, वो थिन हो रही है, तो मेरे को ये लगता है कि ये तो अगर ऐसे ही चलता रहा सिलसिला तो फिर तो मैं चलने के काबिल ही नहीं रहूंगी, सारी जो ड्यूटीज या फैमिली को मैनेज करना तो बहुत दूर की बात है। तो जब उसने सीपीआर से वो ठीक हो रही थी, लेकिन हाँ कभी खुशी नहीं आती है, कभी मैरिज पे जाती हूँ तो मैरिज की खुशी वाला तो फेज ही नहीं है मेरे में, मेरे को ये लगता है कि हम
जा रहे हैं कहीं कुछ हो ना जाए, रास्ते में कोई कुछ ऐसा ना हो जाए या मैरिज में कुछ ऐसी घटना ना हो जाए, तो ये केस है। तो जब उसने बोला, मेडिसिन तो सीपीआई लग रही थी कि डॉक्टर साहब मैं ठीक तो हो जाती हूँ, अब मैं ठीक हो रही हूँ, लेकिन मेरे को फिर भी हौसला नहीं आता कि मैं ठीक हो जाऊंगी। तो इस वर्षन ने वो सारा एक केस का जो डायरेक्शन चेंज कर दी। तो मेडिसिन कभी सोच सकते हैं क्या मेडिसिन, हम इसके बारे में सोच सकते हैं कि मैरिज में जाती हैं तो वो कहती क्या है कि हर जगह खुशी हो गमी हो, मेरा नेगेटिव फेज, मेरे को खुशी आती ही नहीं है, तो मैं क्या करूं, मेरा हौसला ही नहीं बनता। एनीबॉडी? सर एक्साइटमेंट एब्सेंट है, जॉयलेस फील कर रही है। जॉयलेस फील करती है, ठीक है। सर इंडिफरेंस, प्लेजर फॉर पेसिमिस्ट। हाँ यस, शी इज पेसिमिस्ट, पेसिमिस्टिक है वो। हम एक रिवर पढ़ते हैं ना कि एंजाइटी बिजनेस फॉर और केयर्स बिजनेस फॉर, दो प्रोस्पेरिस। अगर हम इस एक रूब्रिक को समझ लें तो हमें पूरी मेडिसिन समझ आ जाएगी, हमें। ये क्या कहती है कि मेरे को तो ये लगता है कि बस ऐसे ही रहेगा। वो पकड़ी कहां से, कहीं ना कहीं आप पूरा अगर पेशेंट को सुनते रहते हैं ना, ध्यान से सुनेंगे तो कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ क्ल्यू जरूर मिलेगा। और मेरे को क्ल्यू मिला, डिस्कंसर्टेड नहीं, डिस्कंसर्टेड कुछ और होता है। डिस्कंसर्टेड का मतलब क्या है, इसमें जो चल रहे हैं ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग, कि इसमें जो चल रहे हैं वो फियर्स चल रहे हैं। शी इज टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, हाउ आई विल मैनेज दी थिंग्स इफ समथिंग हैपेंस टू माय मदर इन लॉ। अब समझने की बात करो, क्या 5 मिनट लगाते हैं कि एक तो वो ठीक हो रही है लेकिन फिर भी वो उसका मन नहीं कह रहा कि मैं ठीक हो जाऊंगी, पेसिमिस्टिक तो है ही। तो इसमें एक रूब्रिक हमारे पास पड़ा हुआ है, डेस्पियर रिकवरी फ्रॉम कन्वल्सेंस ड्यूरिंग। कन्वल्सेंस ड्यूरिंग का मतलब कि वो ठीक हो भी रही है, इम्प्रूव हो भी रहा है, लेकिन फिर भी उसका मन नहीं मान रहा क्योंकि उसमें नेगेटिविटी बहुत ज्यादा आ गई। और दूसरी वो बात क्या करती है कि इफ समथिंग हैपेंस टू माय मदर इन लॉ, देन हाउ आई विल मैनेज द थिंग्स, मैनेज द फैमिली। तो मदर इन लॉ क्या है, मदर इन लॉ उसके ऊपर के रिश्ते में है, हेड ऑफ द फैमिली। अगर उसको कोई हो जाता है तो शी इज ऑन सेकंड नंबर, और उसको यही डर सताया जा रहा है कि अगर मदर इन लॉ को कुछ हो गया तो फिर उसकी जगह पे मैं आ जाऊंगी और मेरे से तो ये मैनेज नहीं होगा। ये एक मदर इन लॉ हाई प्लेस पे है, फिलोसफिकली इसको अप्लाई करें तो वो हाई प्लेस पे उसको आना पड़ेगा कल को, तो उसको ये डर है कि मैं तो मैनेज नहीं कर पाऊंगी। अब उसका पेसिमिस्टिक जो थॉट है वो हर जगह चल रही है, और उसको डर क्या लग रहा है कि अगर मैं तो रिग्रे किसका बनता है, फियर हाई प्लेसेस and fear failure and despair recovery, convulsions during specially. So pessimistic वो है ही, तो ये medicine इसको दी गई थी सुराइनम was given to her, और उसको जितने alteration थे वो सारे उसके ठीक होने के लिए इसमें fear responsibility भी लिया जा सकता है। हाँ जी, sorry, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं कर रही है, ये कर रही है कि उसको एज होल मैं उसको, मतलब कि उसकी मदर इन लॉ क्या कर रही है कि कहीं रिलेशन में जाना है तो वो भी चली जाती है, बिकॉज शी फील्स दैट शी इज मोर एनर्जेटिक। और इस केस में भी डिल्यूजन पूर वाली सिचुएशन चल रही है और पेसिमिस्टिक चल रही है, जबकि नेक्स्ट वर्म का ऑप्टिमिस्टिक है, ठीक है। और इसको ये लगता कि ये तो हो ही नहीं सकेगा मेरे से, मैं कंट्रोल कर ही नहीं पाऊंगी, कि अब मदर इन लॉ का बिजनेस है कि वो फैमिली को सारे को होल्ड कर रही है, और इसको ये लग रहा है कि सारा कुछ तो ठीक है, सारा कुछ है घर में,
और लेकिन फिर भी खुशी नहीं आती है। खुशी क्यों नहीं आती? क्योंकि पेसिमिस्टिक है और सारा कुछ है। तो वो फिर उसी रूब्रिक पे आप चले जाइए, केस बिजनेस और एंग्जायटी बिजनेस दो, इट्स प्रॉस्पेरस, सारा कुछ है लेकिन फिर भी मेरे को चिंता आ रही है। अगर समथिंग हैपन, फियर समथिंग विल हैपन टू फैमिली और हर टू हर। और यहाँ वो खुशी की बात होती है, रास्ते में ये होता है कि अक्सर पेशेंट आके बोलते हैं कि मेरे को खुशी, मेरे को जो मोस्ट नेगेटिव फेज आता है वो डराना शुरू कर देता है। इसको सुपरस्टिशियस में मत लेके जाओ, ये सुपरस्टिशियस नहीं है, ये बिल्कुल पेसिमिस्टिक अप्रोच है। और पेसिमिस्टिक को थोड़ा समझा दीजिए। पेसिमिस्टिक यही है कि निराशावादी है इंसान। एक उसको खुशी का मौका है, मैरिज का मौका है, लेकिन उसको खुशी आनी चाहिए लेकिन उसको निराशा आ रही है। निराशा क्या आ रही है कि फिर समथिंग विल हैपन टू हर और टू हर फैमिली। तो ये निराशावादी सीधे शब्दों में समझिए कि इसको कभी हो पाती नहीं है, अच्छे की हो पाती नहीं है, ये फेलियर की तरफ ही जाएगा, फेलियर की तरफ ही जाएगा, ठीक है। और इसीलिए डेथ प्रेजेंटमेंट में आ जाता है कि उसको उसको ये लगता है कि डेथ इज ओनली द सॉल्यूशन, कि मेरी बीमारी का तो डेथ ही। हाँ, फियर डिसेबल बिकमिंग, फियर डिसेबल डिसेबिलिटी, क्योंकि वो जैसे कह रही है ना कि मेरी एक टांग बहुत थिन हो रही है, डे बाय डे ये सूख रही है, तो अगर ऐसे ही रहा तो मैं तो डिसेबल ही हो जाऊंगी, बिल्कुल काम करने के काबिल ही नहीं रहूंगी। तो इसीलिए दैट्स वाई सुराई नंबर, मैं यही बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप उसकी पूरी स्टोरी को सुनिए और पूरे पूरे उसकी सेंस को समझने की कोशिश करिए, फिर आप मेंटल स्टेट पे पहुंच सकेंगे। और उसकी मेंटल स्टेट क्या है? पुअर, फियर, फेलियर एंड पेसिमिज्म, यही सुराइनम का थीम है। सुराइनम इसी पे ही, मतलब ओ से एक रूब्रिक को ले लो कि एंग्जायटी बिजनेस प्रॉस्पेरस दो, वो बहुत अच्छा भी चल रहा है लेकिन उसको फिर भी चिंता हो रही है, फिर फेलियर बिजनेस की तरफ जा रहा, उसको आगे बढ़ने की मतलब कि उसको आइडिया ही नहीं आता या उसकी हिम्मत ही नहीं आती, उसको फेलियर ही डराई जा रही है, इसीलिए वो फेल हो जाता। आज बस मैं कोशिश करूंगा यहीं पे रोके। अगेन आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने मुझे अपना इस काबल समझा कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस को कुछ आपके साथ शेयर कर सकूं। डॉक्टर आशी, डॉक्टर संजय मंडपी, डॉक्टर अशोक जी, एनीबॉडी, आर यू अटेंडिंग? यस सर, इट वाज अ वेरी नाइस सेशन। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर। आज हम यहीं पे ही बंद करेंगे, तो क्योंकि मेरे को एक फंक्शन में जाना। सर एक क्वेश्चन था सर। थैंक यू सर, रेपर्टरी कौन सी यूज करनी चाहिए? रेपर्टरी सिंथेसिस, आपके पास जो वेपन है ना, आज रशिया आज सारी दुनिया को आंख क्यों दिखा रहा है? क्योंकि उसके पास लेटेस्ट वेपन्स है, ठीक है ना। और रेपर्टरी सभी यूज करनी चाहिए, कंप्लीट भी करनी चाहिए, सिंथेटिक भी करनी चाहिए। या आपको कंफ्यूजन होती है कि बहुत मेडिसिन आ रही है तो उसमें एक बहुत प्रोमिनेंट पार्ट निकाल के, मैं तो कई बार फाटिक रिपोर्टरी भी यूज कर लेता हूँ कि यहाँ दूसरी रिपोर्टरी में 15 मेडिसिन पड़ी होती है तो उसमें 2 मेडिसिन पड़ी होती है। लेकिन ये उसी कंडीशन में करते हैं जब हमारे पास बहुत प्रेडोमिनेटिंग सिम्टम्स 2-3 मिल जाते हैं हमें, तो फिर हम ये रिपोर्टरी भी कभी कभी यूज कर लेते हैं। तो पढ़ना सारा चाहिए मटेरिया मेडिका, मैं बार बार कहता हूँ कि मटेरिया मेडिका जरूर पढ़ना चाहिए, फिर ही आपको पता चलेगा कि कौन सा रूब्रिक की बैक में क्या है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ से आ रहा है इस मेडिसिन में। अगर लाइको में रिस्पेक्ट डिजायर, वो कहाँ से आ रही है? अगर हेमामेलिस में रिस्पेक्ट डिजायर है तो वो कहाँ से आ रही है? अगर स्टेफिस की डिग्निटी है, डिग्निफाइड है, इंडिग्नेशन है, वो स्टेफिस की इंडिग्नेशन क्यों है उसमें? नक्समोमका की डिग्निटी क्या है? सल्फर की डिग्निटी क्या है? ये अगर हम मटेरिया मेडिका पढ़ेंगे फिर हमें समझ आनी शुरू हो जाती है। फिर क्या, फिर होता क्या है कि फिर हमें इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, फिर हम एक चीज को समझ के भी एक मेडिसिन पे पहुंच जाते हैं, फिर रिपोर्टराइज करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो मटेरिया मेडिका जरूर पढ़िए, सभी मटेरिया मेडिका पढ़िए। हाँ,
ठीक है सर, सिंथेसिस का कौन सा वाला वर्जन और कंप्लीट रेपर्टरी का कौन सा वर्जन? सिंथेसिस जो लेटेस्ट वर्जन है वही सर, ट्रेजर एडिशन। अब 9.1 ट्रेजर एडिशन सर। हां और डार में, हां हां 9.1 और सर लेटेस्ट जो भी लेटेस्ट आता है आपको अपडेट तो रखना ही पड़ेगा। हां जी हां कंप्लीट रिपोर्टरी भी, क्योंकि कुछ रूब्रिक्स कंप्लीट रिपोर्टरी में है, कुछ मेडिसिंस भी इधर उधर होती हैं, कुछ एक रूब्रिक के अंदर कंप्लीट में कुछ अलग मेडिसिंस एक्स्ट्रा मेडिसिंस पड़ी हुई हैं, किसी रूब्रिक में कुछ रूब्रिक्स है जो कंप्लीट में नहीं है, जो सिर्फ हमें सिंथेसिस में मिलते हैं, तो इसलिए सारी रिपोर्टरी यूज करनी चाहिए। और हर जो मटीरिया मेडिका जो भी मिल जाए आपको, जो मिल जाए उसको जरूर पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। हर मटीरिया मेडिका में, हर मेडिसिन में कुछ ना कुछ नया मिलेगा। सर इस वक्त जो है ना कंप्लीट डायनामिक्स में काफी ज्यादा उन्होंने रेमेडीज भी ऐड की हैं और काफी ज्यादा नए रूब्रिक्स भी ऐड हुए हैं। हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको मटेरियल मेडिका हमें दिक्कत नहीं आती, क्योंकि हम मैं कहता होता हूँ कि हम एक सिपाही से एसएसपी बने हैं, और जो डायरेक्ट एसएसपी आएंगे ना वो सिपाही वाली चीजें नहीं समझ पाएंगे, कॉन्स्टेबल वाली चीजें नहीं समझ आती उनको, फिर नीचे से चलना पड़ेगा। तो मटेरियल मेडिका जरूर पढ़ो, फिर कंफ्यूजन नहीं रहता उसमें ना मटेरियल मेडिका पढ़ने से। Is it okay? ठीक है, thank you sir, thank you very much sir. Thank you sir. Sir very clear and deep learning. Okay, thank you very much. Thank you sir. Thank you sir. Thank you very much. Gratitude sir.